ओके गाइस वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ट्रेंडिंग स्टॉक्स तो यार फ्राइडे को मंडे को हमारी मार्केट में एक अच्छा फॉल आया है सो इट वाज काइंड ऑफ प्रॉफिट बुकिंग क्योंकि एफ आई आर इतने कोई बड़े नंबर्स नहीं आए द वे आई एम सेइंग सो विल कम ओवर हेयर ये हमारा जो ब्रेकआउट था यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था राइट right, और यहाँ पे गया था एंड देन वी इट टच दिस और हमने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे बाई किया था राइट एंड इट यू नो गेव अस गुड प्रॉफिट लेकिन ग्लो अभी इसको और ऊपर जाना था तो सो ये ब्रेकआउट भी यहाँ पे फेल हो गया अगर आप देखोगे तो उसका एक रीज़न ग्लोबल इवेंट्स भी हैं जो वॉर हो रहा है आई मीन थिंगस आर नॉट वर्किंग गुड तो अब इसने ये सेकेंड टाइम इसको हमारी ट्रेंडिंग uh, जो uh, लाइन है इसको आप टच किया है सो क्वाइट पॉसिबली ये इसको माई मिन सपोर्ट ले सकता है मुझे जैसा लग रहा है पर थोड़ी बड़ी कैंडल है आ, हाँ हो सकता है या, या तो भी एक रिलीफ का लिया है उसके बाद या तो ये आ, डबल बॉटम बना के ऊपर भी जा सकता है और अगर ये यहाँ से नीचे गया तो हमारा एटीन थाउजेंड एट हंड्रेड है तो थोड़ी सी डाइसी सिचुएशन है ऑल दो आई एम पॉजिटिव की इट शुड मूव फ्राम ऑन द अप साइड आई मीन इट इज़ पॉसिबल एंड आई थिंक अपडेट वे अपडेट्स आर कमिंग इट इज पॉसिबल तो ऐसी इसीलिए मैंने ग्रुप में भी और चैनल में भी ये कहा था कि हम हम मिड कैप को छोड़ के वी आर फोकसिंग मोर ऑन लार्ज कैप्स तो इसीलिए रिलायंस अनफार्मा ऐसी उनको हमने किया था एक उनका मैचअप भी बनी बिकॉज मिड कैप तो बहुत ज़्यादा ओवरशूट हो गया और लार्ज कैप ने परफॉर्म नहीं किया एक दो कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने परफॉर्म किया है पर मेजरली कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस नहीं आई है इनकी ना लार्ज कैप की तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो मुझे लग रहा है कि अब लार्ज कैप को चलना चाहिए और मैं तो बिकॉज आई एम ऑन ऑलवेज ऑन द बुल्स साइड तो मैं आई एम होपफुल कि अब यहाँ से टर्न लेगा एटलीस्ट यहाँ पे अब एक आ, हम सपोर्ट पे तो हैं आ, निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखा रहा था आई डोंट नो कल क्या होगा बट ऐसी सिचुएशन में अगर आज की डेट में मुझे अगर कोई बोले कि कोई स्टॉक पिक करना है तो वो कौन सा होगा तो मैं उसको सर्च कर रहा था तो मैं अगर मतलब मेट लार्ज कैप के अलावा अगर हमें कोई ऐसा स्टॉक चाहिए जो अगर अच्छा जल्दी परफॉर्म करे और अच्छे रिटर्न दे जाए तो वो मेरे नज़र में आया था मेट प्लस हेल्थ सर्विसेज राइट तो मैं अभी स्क्रीन कर रहा था तो ये मुझे दिखा ऑलराइट मेट प्लस हेल्थ सर्विस ठीक है अगर आप आप देखो ये एक लॉन्ग टर्म में आ, ये ना डाउन ट्रेंड में थी और यहाँ पे इसने सस्टेन किया आई मीन इसको ब्रेकआउट किया और ये बाय जोन में आके अब इसने यहाँ से फिर रिट्रेस किया और अब फाइनली फिर ये हमें हमारे सिग्नल लाइन के ऊपर है तो मैं फंडामेंटल्स के बारे में अभी ज़्यादा नहीं मैंने इसको स्टडी किया तो मैं सिर्फ टेक्निकल ट्रेड करने की बात करूँगा और थोड़ा सा डिफेंसिव भी लगता है मेट प्लस राइट तो अगर हम देखें तो अगर हमें यहाँ से लेना होगा तो ये एट के आसपास है हम इसी कैंडल के नीचे जो कि सेवन का लो है तो 770 के नीचे क्लोजिंग लगा के मान लीजिए हम 25 तीस रुपये का एक स्टॉप लॉस लगा के अगर हम ले लें और यहाँ से हम एक लॉन्ग पोजीशन बनाए सो नाउ दैट इट इज एबव दिस सिग्नल लाइन एंड एट 800 हंड्रेड प्राइस वी कैन बाय हेयर विद स्टॉप लॉस बिलो से बिलो द लास्ट दिस कैंडल्स राइट सो हमारे टारगेट्स क्या होंगे लेट सी हम इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से ही कैलकुलेट करेंगे आज राइट right. तो ये देखिए अभी हमारा जो पहला जो फर्स्ट uh, टारगेट बनता है इट कम्स 835 थर्टी तो 835 थर्टी फाइव विल बी आवर फर्स्ट टारगेट एंड देन सबसे एट एटी फाइव एंड नाइन सेवेंटी उसके बाद भी पॉसिबल है बट इफ वी हैव टू take a contrarian call in this the, this unstable and volatile markets i will go with this stock and i think something is cooking in this stock that's why this is happening to is stock ko agar hum leke chalenge 800 i mean 20 25 rupees to go तो we will not put all the money at once हम क्या करेंगे थोड़े से per quantity खरीदेंगे. denge suppose aapne uh, uh, suppose humne ट्वेंटी फाइव परसेंट आप पहले बाय कर लो राइट और फिफ्टी परसेंट बाई कर लो आ, और अगर हमारी फेवरेट डायरेक्शन में जाता है सपोज फर्स्ट टारगेट है तो हम एड मोर ट्वेंटी इस तरह ऑन बिकॉज अगर ये ऊपर गया तो देन इट कैन शो अस इवन बिगर टारगेट लाइक इवन थर्टीन हंड्रेड और सो। तो, uh, मुझे कॉन्ट्रेक्ट कॉल्स में अगर कोई ऐसे स्टॉक्स जो कि बहुत आउट परफॉर्म कर सकते हैं और डाउन साइड लिमिटेड हो ऐसे स्टॉक्स को राइड करना बहुत अच्छा लगता है क्योंकि लार्ज कैप में ओके okay, सेफ्टी है पर कई बार रिटर्न अच्छे नहीं आते तो मेजरली आई गो विद दो स्टॉक्स लेकिन कहीं ना कहीं व्हेन वी वॉन्ट नो टू हैव सम गुड रिटर्न तो वहाँ पे हमें कुछ ऐसे स्टॉक्स uh, ना मिड कैप और स्मॉल कैप में सर्च करने ही पड़ते हैं सो दिस इज़ वन दैट कम्स टू माई यू नो रडार तो आपको मैंने लेवल्स बता दिए हैं एट हंड्रेड के आसपास है अगर मान लो थोड़ा डिप पे भी मिल जाए तो अच्छा है सेवन सेवेंटी के नीचे का स्टॉप लॉस द फर्स्ट टारगेट इज एट एट थर्टी फाइव दैन एट एटी फाइव एंड देन नाइन सेवेंटी तो एंड वी विल ऑलवेज स्टार्ट विद सम क्वान्टिटी एंड देन विल एड सब्सिक्वेंटली एज इट गोज अप तो आई थिंक दैट विल बी ऑफ फॉर द डे सो होप लेट्स सी हाउ इट गोज मुझे लग रहा है कि ये अच्छा परफॉर्म करेगा Like others. So let's hope for the best. Have a nice day. Bye.